भाजपा कांग्रेस में बदल रहे चेहरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी, मैं हूं वंचिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। पांच राज्यों के चुनावों के ठीक बाद हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। भाजपा जहां उपचुनावों में 0-4 से मिली हार से सीखे सबक पर काम करेगी, तो कांग्रेस कम बैक के लिए कमजोर कड़ियों को हटाकर समाज के वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। क्या रहेगी दोनों दलों की रणनीति, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे क्या, देख लेते हैं। राजेश, आजकल शांति नहीं चली हुई, अगर हम पॉलिटिकली देखें हिमाचल में तो बड़ी बज रहती है ना जी। कुछ न कुछ हैपनिंग होती है ना, कुछ न कुछ हो रहा है, आजकल तो बड़ी खामोशी है, कारण क्या? बिल्कुल, देखिए खामोशी का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक घटनाक्रम हो गया, जिसमें पूर्व सीपीएस ने पूर्व मंत्री के पे आरोप लगा दिए, समर्थक आपस में भिड़ गए, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, सड़कों पे हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन उस मामले पर भी अगर पार्टी हाईकमान खामोश है, विपक्ष अगर एक तरह से एक बयानबाजी के बाद उस पर शांत हो जाता है, तो खामोशी हिमाचल की समझी जा सकती है। खामोशी जी बीजेपी की तरफ से भी पलटवार नहीं हुआ जैसा करना चाहिए। देखिए चुनाव चलेंगे, पांच राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, गोवा और मणिपुर। यहाँ जो चुनाव लगे हैं, भाजपा भी यहाँ व्यस्त है, कांग्रेस भी यहाँ बिजी है, बिल्कुल। इसीलिए जब सारे वहां व्यस्त हैं, तो प्रदेश में फिलहाल इस तरह का राजनीतिक पारा अभी चढ़ा नहीं है, अदरवाइज इस घटनाक्रम से तो सियासी माहौल उफान पे आ जाता था। राजेश, मेरा एक सवाल, चुनावों के बाद या आप ये कहिए कि 10 मार्च के बाद क्या कुछ बदलेगा या शांति ही रहेगी? हिमाचल तो मतलब बड़ा ही शांत हो गया, कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा है कुछ। 10 मार्च के बाद हिमाचल का मौसम भी बदल जाएगा और सियासी माहौल भी बदल जाएगा। मौसम के लिहाज से गर्मी आएगी, सियासी पारा बहुत ज्यादा उफरने वाला अग्निहोत्री जी, मतदाताओं को रिझाने के लिए, क्योंकि हिमाचल में आप देखिए चुनावी साल हिमाचल में शुरू हुआ है, अगला नंबर चुनाव का हिमाचल में, हिमाचल और गुजरात में भाजपा कांग्रेस सब फ्री हो जाएंगे अब, है ना? हिमाचल का नंबर पहले चुनाव होने है दिसंबर से, और आप ये देखिए कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव होते थे पहले साथ, लेकिन पिछले साल क्योंकि गुजरात का एक महीना बिल्कुल टल गए थे, तो अब इस तरह की परिस्थितियां अगर इस बार भी यही होता है ना जी, हिमाचल के थोड़े सारा केंद्र का, चाहे कांग्रेस का हाईकमान है चाहे भाजपा हाईकमान, सभी का फोकस पूरी तरह से हिमाचल पे होने वाला है, तो हिमाचल में सियासी पारा तपने वाला है, 10 मार्च के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। और वैसे भी आप देखिए हिमाचल टूरिज्म के लिए विख्यात है, तो दूर दूर के कार्यकर्ता सभी दलों के चाहेंगे कि थोड़ा गर्मियों में हिमाचल ही हुआ है जी, लगे हाथ। अच्छा राजेश, ये तो आपने बता दी। अच्छा, कांग्रेस की बात पहले कर लेते हैं, कांग्रेस में क्या होने जा रहा है, क्या आपके सूत्र बताते हैं आने वाले दिनों में क्या हो रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल, ऐसा है कि अटल है कि ऐसा होने वाला है जी। देखिए कांग्रेस कम बैक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव जिस तरह के परफॉर्मेंस उनको दिखानी है। कांग्रेस में तीन बड़ी अहम चीजें होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम कांग्रेस के नजरिए से होने वाला है। पहला कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पे नियुक्ति होगी, नई नियुक्ति है, राठौर साहब को तो मुझे लग रहा है बदल रहे हैं पूरा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जब नई नियुक्ति होगी तो पूरे संगठन में ऊपर से नीचे तक बड़े अहम पदों पे जितने भी हैं सभी बदलाव होने जा रहे हैं नया अध्यक्ष आएगा कांग्रेस के लिहाज से, बिल्कुल। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के उसमें उस पे भी बदलाव होने जा रहा है। वर्तमान दौर में अगर हम देख लेते हैं, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो वहां भी बदलाव साफ तौर पर नजर आने वाला है, क्योंकि इसका तर्क भी एक दिया जा रहा है। तीसरा, प्रचार समिति अध्यक्ष में बदलाव होने जा रहा है, तो इस तरह के नियुक्ति एक तरह से होने जा रही है। कांग्रेस तीन या तो नियुक्तियों की तरफ जा रही है, बदलाव की तरफ जा रही है, तर्क बिल्कुल साफ है अग्निहोत्री जी। समीकरण अगर हम देख लेते हैं, तो उन समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। राजेश, क्या है भला ये? बिल्कुल, देखिए तीन वर्गों को लेकर कांग्रेस बदलाव कर रही है। पहला, ये जो तीन जो तीन पद होंगे इसमें तीन जो प्रदेश के तीन अहम घटक हैं जाति आधार पर अगर हम देखते हैं, तो इसमें एक पद पे ब्राह्मण होगा, एक पे राजपूत वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, और तीसरे पद से नवाजा जाएगा अनुसूचित जाति वर्ग को। तीनों वर्गों को एक संदेश कांग्रेस देना चाहेगी कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो कांग्रेस के नजरिए से यह बहुत बड़ा घटनाक्रम इन चुनावों से पहले होने जा रहा है जी। राजेश, अच्छा इस एंगल से हम देख लेते हैं हिमाचल कांग्रेस को। मान लीजिए मुकेश अग्निहोत्री को नहीं बदला जाता, क्योंकि बहुत अच्छा हो विधानसभा में, जब तक ऐसा लगता भी है कि जब तक मुकेश अग्निहोत्री खुद नहीं अपनी चाहत दिखाएंगे कि मुझे यहां से हटाइए, तब तक कांग्रेस नहीं छेड़ेगी, क्योंकि विधानसभा में जो जिस तरह से निशाने पर रहते हैं सरकार को, उस तरह से मुकेश अग्निहोत्री का प्रदर्शन लाजवाब है। बिल्कुल, मान लीजिए नहीं हटाया जाते हैं इनको, या ये बदलाव नहीं चाहते, ये चाहते
मतलब अगर ये हटेंगे भी तो कम से कम ये तो कहेंगे कि मुझे तो प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाइए या फिर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, इससे नीचे तो होगा ही नहीं ना जी। बिल्कुल तो मान लीजिए मुकेश अग्निहोत्री जहां है वहीं संतुष्ट रहते हैं, तो आपका कहना है कि ब्राह्मण समुदाय का एक व्यक्ति हो गया। बिल्कुल। फिर अगली जो दो महत्वपूर्ण स्थान होंगे प्रदेश अध्यक्ष और प्रचार समिति, उसमें ब्राह्मण नहीं होगा। बिल्कुल, ब्राह्मण नहीं होगा उसमें। जो दो वर्ग और है, इसमें एक राजपूत वर्ग है और एक दलित समुदाय है या एससी या एसटी कोई भी है ना जी, वहां से एक व्यक्ति आएगा। तो सीधे तौर पे सियासी समीकरण बनाने में कांग्रेस काम करेगी और ये मार्च से ये प्रैक्टिस कांग्रेस की शुरू होने जा रही है। 10 तारीख के बाद राजेश, बिल्कुल 10 के बाद ये शुरू होने जा रहा है प्रदेश। हां जी राजेश, अच्छा ये तो कांग्रेस की आपने बहुत बढ़िया बता दी। देखिए अब आपने हमारे दर्शकों की जरा क्यूरियोसिटी आपने जगा दी, मैं तो ये कहूंगा भाजपा भी बात कर रहे थे राजेश जी, इरादे क्या है भाजपा के? देखिए अंतिम जो लड़ाई हुई है ना दोनों बड़े दलों की, जो प्रमुख दल है दो ही है समझिए, हिमाचल का टू पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, 0-4 ये रहा था स्कोर बीजेपी के अगेंस्ट उपचुनाव में। उपचुनाव में जी लास्ट वही जंग थी ना जी लास्ट, उसके बाद तो कोई जंग हुई नहीं है दोनों पार्टी में। तो क्या इसे भाजपा आलाकमान भुला देगी या कुछ बदलाव इस वजह से होंगे, क्योंकि आगे भी तो इलेक्शन, आगे तो आपने सबसे बड़ी बैटल फेस करनी है ना जी, क्या होगा भाजपा? देखिए 0-4 तो भाजपा आलाकमान कभी नहीं भुलाएगी और 0-4 के उदाहरण दिए जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल का घटनाक्रम जिस तरह हिमाचल को श्रेय दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश पूरे देश में दिया जा रहा है, हिमाचल नहीं कम करवा जा रहा है। बड़ी बात यह कि बदलाव की तरफ भाजपा भी जाने वाली अग्निहोत्री जी, 0-4 से अगर डबल इंजन सरकारों के होते हुए किसी पार्टी की हार हो जाती है तो संगठन की भूमिका पे यहां सवाल खड़े हुए थे उपचुनाव के माहौल के दौरान। तो यहां भी सीधे तौर पे चेहरे बदले जाएंगे, चाहे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो चेहरे बदलने संगठन में कोशिश भाजपा की रहेगी। और ये इस पे क्योंकि आप देखिए शिमला में जो मंथन हुआ था उसमें से भी कुछ चीजें निकली हैं जिनको अभी बाहर आना है, जिसमें पार्टी को भी जिनपे फैसला लेना है। और संगठन की बात जहां तक है, हिमाचल का नड्डा कनेक्शन ना भूले कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल ये ना भूले कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हिमाचल से हैं, तो हिमाचल का प्रदर्शन तो ऐसा स्वीकार नहीं होगा शायद, ये लगता है संगठन में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। कुछ मंत्रियों की भूमिका पर, कुछ मंत्रियों की भूमिका पर संगठन ने सवाल उठा दिए थे मंत्रिमंडल का, क्या होगा? बिल्कुल इसीलिए मैं उसी पे आ रहा था। दूसरा, मंत्रिमंडल के या तो बदलाव भी हो रहा है या विस्तार की संभावना जताई, विस्तार की संभावना तो राजेश नहीं है, सारे पद भरे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है या तो कुछ भाजपा के रूठे हुए जिन्होंने सीधे तौर पे कुछ मंत्रियों की भूमिका पे सवाल उठा दिए, कटघरे में खड़ा कर दिया, या तो उनको हटाया जा रहा है या फिर उनकी जगह इस तरह का भाजपा में घटनाक्रम होने जा रहा है। तो ये बदलाव तो दोनों दलों में, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस, बदलाव की तरफ जा रही है क्योंकि बयार अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप हमारे दर्शक ये उम्मीद रखे कि ऐसा नहीं है कि आपका चुनावी साल जो है फीका फीका, बिल्कुल बहुत बहुत कुछ घटित होने वाला है। राजेश एक और सवाल लास्ट में कहूंगा मैं आपसे, राज्यसभा की सीट पूरी, एक कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, सीट खाली होने जा रही है, आनंद शर्मा साहब टेन्योर ओवर हो रहा है, अब कांग्रेस के तरफ से चुने गए थे, अब तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। किसकी उम्मीद है ऊपरी सदन में, किस नेता की? वैसे तो बहुत सारे, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक नेता का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है और पर उनका कभी चुनाव नहीं हो पाया। इस बार तो माहौल आपको लगता है कि फेवरेबल हो सकता है, कौन है वो, क्या? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा के लिए किसका चयन होगा सवाल बड़ा जटिल है, लेकिन हमने संभावितों की चर्चा एक इस कार्यक्रम में कर चुके हैं जिनके नाम एक तरह से संभावित है प्रदेश में। जो, जो। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में जरूरी ही नहीं है कि प्रदेश के भीतर का ही व्यक्ति कोई राज्यसभा भाजपा भेजे। कांग्रेस के घटनाक्रम को याद करिए, अनंत शर्मा को भेजा था क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को जरूरत थी राज्यसभा में, यहां से भेजा गया, वीरभद्र सिंह की सरकार थी उसमें। भाजपा के लिए एक नाम की आपने बात की, हर बार नाम चलता है लेकिन फिर इस तरह का माहौल है कि वो नाम पीछे हो जाता है। महेंद्र पांडे की हम बात कर पांडे जी की, पांडे जी की बात यहां हो रही है, हर बार उनका नाम चलता है कि उनको भेजा जा रहा है। इस बार थोड़ा सा परिस्थितियां उनके लिए इसलिए बेहतर लग रही हैं, चेनों की सरकार, बिल्कुल कि उनके जो शागिर्द हैं उनकी इस वक्त प्रदेश भर में सरकार है। आप देख लीजिए वो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वो संगठन में भी है, वो एबीवीपी में भी है, बड़ी बात है, छात्र संगठन जो है जिसका मार्गदर्शन सीधे तौर पर महेंद्र पांडे करते हैं, वो वहां उनका रसूख भी है, प्रभाव भी है। तो बहुत बड़ा एक मौका सीधे तौर पे कहें तो महेंद्र पांडे के लिए भी इस तरह से आगे बढ़ने का है, राज्यसभा तक पहुंचने का है। जी राजेश, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, देखिए मुख्यमंत्री समेत बहुत से मंत्री और विधायक इस वक्त वो हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आए। बिल्कुल, ये आप ये समझिए कि 80 के लास्ट का दौर या 90 के शुरुआत के कुछ लोग हैं जी। तो अब उस समय पे अगर हम राजेश देखें तो महेंद्र पांडे
हिमाचल में विद्यार्थी परिषद को देखते थे, उन्होंने बहुत त्याग भी किया था उस टाइम पे, एक एक इन सारे ही नेताओं से इनके व्यक्तिगत वो थे, उन्होंने उंगली पकड़ के इनको आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, महेंद्र पांडे आज के समय में जो जितने भी सारे आनुषंगिक संगठन हैं और मोर्चे हैं इसके संयोजक एक तरह से दिल्ली में बैठे होते हैं, ये मतलब सबसे अच्छा। तो राजेश, पहले भी जब कृपाल परमार को प्रेम कुमार धूमल की सरकार में राज्यसभा में भेजा गया था, तब भी महेंद्र पांडे का नाम बहुत जोर शोर से आगे आया था। अच्छा, अब इस नजरिए से जो विश्लेषक हैं या जो चिंतक हैं या जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो क्या बोल रहे हैं? ऊपर देखिए जी कि मिशन रिपीट तो सही है, वो है ना, पूरा कोशिश करेंगे, अभी तक हुआ नहीं है, कोशिश करेंगे, होते जयराम ठाकुर साहब कर जाए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनकी सरकार का वर्तमान में अंतिम वर्ष है और एक ही सीट खाली मिल रही है। बिल्कुल, तो क्या ऐसा होगा कि महेंद्र पांडे को यहां से भेज दिया जाएगा, क्योंकि हर बार उनका नाम तो आता है? बिल्कुल, क्या इस बार सफल होंगे महेंद्र पांडे, पहुंच जाएंगे कि राज्यसभा में? तो ये बड़ा सवाल होगा राजेश जी, देखते रहेंगे। अभी और भी कुछ नामों पे आप पहले भी बता रहे हैं कि हमने इस मंच पे चर्चा की, कुछ और भी संभावना होगी, ये आज की संभावना हमने व्यक्त की है।